टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इक्विप की। पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। उच्च शिक्षा के लिए एक पंचवर्षीय विजन प्लान जारी किया गया है। इस प्लान का ही नाम इक्विप है। इक्विप का पूरा नाम है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। इस प्लान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप से तैयार किया है। सभी मंत्रालयों के लिए एक पंचवर्षीय विजन योजना को अंतिम रूप देने के प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुरूप उच्च शिक्षा के लिए यह विजन प्लान तैयार किया गया है। अब देखते हैं इक्विप के क्या लक्ष्य हैं। इसके तहत उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों तक भौगोलिक एवं सामाजिक सुविधा की असमान पहुंच का समाधान खोजना इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक मापदंडों के अनुरूप अपग्रेड करना, कम से कम 50 भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शामिल करना भी इसका लक्ष्य है। सुप्रशासित परिसरों के लिए उच्च शिक्षा में शासन सुधार को लागू करना, गुणवत्ता के लिए सभी शिक्षण संस्थानों का प्रमाणन, ज्ञान सृजन के मामलों में भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में स्थापित करने के लिए शोध एवं नवाचार प्रणालियों को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोजगार सृजन क्षमता को दोगुना करना भी इक्विप के तहत निर्धारित किया गया है। अध्यापन कला की पहुंच को बढ़ाने के लिए शिक्षण तकनीक का दोहन करना, भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ाना इस प्लान के लक्ष्य हैं। अब इक्विप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी नजर डालते हैं। यह विजन प्लान तैयार करने के लिए विशेषज्ञों ने 10 फोकस क्षेत्रों को शामिल किया है। इक्विप के तहत 10 फोकस क्षेत्र हैं: पहुंच को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां, वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया की दिशा में फोकस करना, उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, शासन सुधार, आकलन प्रमाणन और रैंकिंग प्रणाली, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और उद्यमशीलता, बेहतर पहुंच के लिए तकनीक का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीयकरण और उच्च शिक्षा का वित्त पोषण।